देश में कोरोना की दूसरी लहर कम जरूर हुई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसीलिए वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान भी दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाई जा सके। इन सबके बीच बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिससे काफी बीजेपी की आलोचना भी की जा रही है। दरअसल वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहाँ एक बीजेपी नेता वैक्सीनेशन सेंटर पर अपना जन्मदिन मना रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी नेता माधुरी जायसवाल कोविड वैक्सीनेशन केंद्र में अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और माधुरी जायसवाल ने केक भी काटा। हालांकि इस दौरान किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया। साथ ही वीडियो में देखा जा सकता है कि केक काटते वक्त माधुरी जायसवाल और कुछ अन्य लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं लगा हुआ है। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही माधुरी जायसवाल की काफी आलोचना भी की गई। वहीं अब माधुरी जायसवाल ने अपने वीडियो पर सफाई दी है। माधुरी का कहना है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने मेरा जन्मदिन उत्साह से मनाया, इसके लिए मैं अपने वार्ड सदस्यों से माफी मांगती हूं। हालांकि हैरानी की बात तो ये है कि जिस वक्त कार्यकर्ताओं द्वारा भीड़ लगाकर केक काटा जा रहा था, ठीक उसी वक्त वहां मौजूद महिला चिकित्सा कर्मी टीकाकरण कर रही थी। जिस जगह केक काटा गया, वहां टीका लगने के बाद लाभार्थियों को विश्राम करने की सलाह दी जाती थी। वहीं वीडियो वायरल होने पर जिला टीकाकरण अधिकारी प्रवीण जड़िया के मुताबिक टीकाकरण केंद्र पर घोर लापरवाही हुई है। वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा के लिए जिला कलेक्टर को पत्र भी भेजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया।